Hello, good morning. I'm gonna go to the bus stand. Good morning guys, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ अपने हॉस्टल से बस स्टैंड के लिए. 6:30 मेरी रिपोर्टिंग है. तो मैंने हॉस्टल में पूछा था कि क्या मैं चल के जा सकता हूँ, तो बोले कि नहीं, ये बहुत जल्दी है चल के जाना. तो मैंने कोई बुक किया, 27 रैंस का है यहाँ से वहाँ तक, ज़्यादा दूर है नहीं लेकिन फिर भी 27 रैंस फिर भी. लेकिन मैं जब कोई मना कर रहा है तो फिर मैं रेस्ट लेना नहीं चाहता. तो अभी ऊबर में निकलते हैं और बस स्टेशन पहुँचते हैं. फिर तो फाइनली गाइस अभी मैं बस में आ गया हूँ. बस में बहुत अच्छी सीट मिल गई है और ये बस 7 बजे निकलेगी यहाँ से डर्बन से और टाटा पहुँचेगी लगभग 2 बजे. और टाटा से मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कॉफ़ी बेक कैसे जाऊँ. कोई आइडिया नहीं है मुझे, तो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कैसे जाते हैं, उधर पूछना पड़ेगा. तो ये एक थोड़ा सा एडवेंचर होने वाला है. होपफुली रस्ट ना हो. बी पॉजिटिव, पॉजिटिव विल हैपन टू यू. और बस में एक चीज़ मुझे बड़ी कमी लगी कि आपके लिए कोई सीट बुक नहीं है. आप इतना महंगा टिकट बुक करते हो लेकिन आपके लिए कोई सीट बुक नहीं है. आप अगर जैसे मैं आज जल्दी आ गया 5:30 पे मैं निकल गया था, 5:45 इधर पहुंच गया था, तो फिर लाइन में सबसे पहले मैं खड़ा था, इसलिए मुझे अपनी मनचाही सीट मिल गई. लेकिन अगर मैं जैसे रिपोर्टिंग टाइम 6:30 था और मैं 6:30 को आके पहुँचता तो फिर मुझे पता नहीं कैसी सीट मिलती, अजीब सी सीट मिलती, कंफर्टेबल नहीं होती. तो ये बड़ा अजीब सा है. अगर आप अपना पैसा दे रहे हो तो फिर आपके लिए सीट रिज़र्व होनी चाहिए, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होती है, इंडिया में होती है. अब क्या कर सकते हैं, मैं इनके रूल्स चेंज नहीं कर सकता. तो फिर इससे अच्छा है कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले आके पहुँचें और अपनी मनचाही सीट ले लें. तो ये है, मेरे पीछे है डर्बन बस स्टैंड. अब डर्बन को फाइनली और एक बार बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है और चलते हैं टाटा में. मुझे बहुत अच्छी सीट मिली है. ये है सबसे पहली सीट और ये फर्स्ट फ्लोर में है और ये है पूरा ग्लास. जब बस चलेगी तो फिर मुझे पूरा सामने का व्यू मिलता रहेगा. और तो अच्छे व्यू के लिए इंतज़ार करते हुए वेट करते हैं. जैसे ही अच्छा व्यू आया मैं उसको कैप्चर करूँ. It's got delayed, so for the best that I reach in time and catch the shuttle to CoffeeBay. Yeah, that's all. I think the weather is fantastic and the outside it's amazing, looking at the view, the mountains, the greenery and the road. Really, someone is driving from Durban to Coffee Bay. It's very scenic and it's very interesting. I would say it was interesting. Yes, I had a good sleep for close to 1 hour. Because I had to got up in the morning early, so it's compensated in the bus. Bus journey is quite comfortable. Yeah.
Can I take you on camera? Yeah. So he's my travel partner, Michael. So we made together in the bus, and you got him from? Got him from Johannesburg. Peter Maritzburg, and he's traveling to church. Yes. Michael is actually an engineering student, right? Yes. Yeah, and he came for an internship as well as a holiday, and now heading back to his place. Yeah, so we had a good discussion, and he was giving me a fair idea about the route, the places. He had some experience where he visited CoffeeBay long back. So he was sharing some faded memories about his visits. So it was good. I think the rest of the journey, I'm there for another 1 hour, 1.5 hours. So I would be disturbing Michael again and again because I don't have anyone to speak. So that's fine. Let's get down at CoffeeBay and let's get down at Matata and let's see how it goes. So be positive. Things gonna be positive.